कल हम इस ओके प्यारे बच्चों, कल हम एसी कंप्लीट कर चुके हैं, अल्टरनेटिंग करंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर, और जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर। वेरी गुड इवनिंग चिंटू, मिंटू एंड पिंटू। तो प्यारे बच्चों, सेमीकंडक्टर का जो सीक्वेंस है चैप्टर का, मैं उस सीक्वेंस से थोड़ा सा हटके आपको कराने वाला हूँ। रीजन उसका यही है, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है और हमें जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पहले कवर करना है, जो ज्यादा वेटेज का, और जिस इस चैप्टर में जहां से ज्यादा ज्यादा वेटेज का आ रहा है। तो थोड़ा सा मैं सीक्वेंस जो एक्चुअल में बुक में दिया हुआ उससे थोड़ा हटके चलूंगा। ऑलराइट, ओके यस। सर। हाँ, तो बालक सबसे पहले समझते हैं जो हमारा सेमीकंडक्टर है। पहले तो बात करते हैं, कहीं आपने सेमीकंडक्टर देखा है? मेरे ख्याल से आप सब ने कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर को देखा ही होगा। आपकी जो सिम कार्ड होता है उसके ऊपर जो सिलिकन की चिप होती है, सिलिकन आपका सेमीकंडक्टर होता है। आपका मेमोरी कार्ड, आपका कंप्यूटर के अंदर लोड, आप देखिए मोबाइल, अब की बात करूं मैं, और अब से 10 20 15 20 साल पहले की बात करूं, तब के मोबाइल और अब के मोबाइल में धरती आसमान का डिफरेंस आ चुका है। आज के टाइम पर आपके पास जो मोबाइल हैं, दे कैन डू एवरी एवरीथिंग, जैसे कि आपका कंप्यूटर करता है, बिल्कुल ऐसे ही सब कुछ कर सकते हैं, सारी प्रोसेसिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, एंड दे आर फास्ट। वो बात अलग है, मेरा मोबाइल और लैपटॉप दोनों स्लो हैं, बट अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो रहा है ये सब, मतलब इतनी फास्ट प्रोसेसिंग है पहले वाले प्रोसेसर में और अब के में, क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं, समझते हैं इन चीजों को। देखिए बालक, एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, ट्रांजिस्टर। एक तो एग्जाम्पल मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, हमारी डे टू डे लाइफ में सेमीकंडक्टर का इतना बड़ा रोल प्ले होता जा रहा है, जैसे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी आती जा रही है, तो बहुत बड़ा रोल हो रहा है। छोटी छोटी चीजों में आपका माइक्रो कंट्रोलर है, इवन आपके घरों पर भी। एग्जाम्पल के तौर पर आपका रेफ्रिजरेटर, मतलब फ्रिज के अंदर माइक्रो कंट्रोलर आने लगे हैं कि भाई इतना टेम्परेचर के बाद अपना स्विच ऑफ हो जाइए आप, ठीक है, इतना टेम्परेचर मेंटेन रखना है एसी के अंदर, क्या आप इतना टेम्परेचर सेंस कीजिए और इतना ही हो जाना चाहिए। आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर, ठीक है, माइक्रो कंट्रोल रहता है कि इतनी बार ऐसे चेक कर लेना है, जब यहाँ पे सेट किया तो फिर वापस चेक कर लेना है, ऐसे लेना है ऐसे लेना है, ठीक है। ऑटोमेटिक जो आपकी वॉशिंग मशीन होती है उसमें भी ऐसी ही चीज है, जब 19 मिनट का टाइमिंग भर दिया, 20 मिनट का टाइमिंग भर दिया, तब तक आपको रोटेट होना है, उसके बाद पानी चलाना है उसके अंदर, वगैरह वगैरह। तो डे टू डे लाइफ में हमारे सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा रोल होता जा रहा है। आपने एक टर्म सुना होगा VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है जी। सुनिए तो बालक, इसमें क्या है कहानी, एक छोटे से मोबाइल के अंदर, इतने इतने से मोबाइल के अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सेमीकंडक्टर, या फिर कहिए लॉजिक गेट्स है, मोर स्पेसिफिकली कहूं तो मैं, या ट्रांजिस्टर कह सकते हैं। इस छोटे से लैपटॉप के अंदर, ये छोटे से मोबाइल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ, लाखों लाखों कंप्यूटर के अंदर लाखों, इतने सारे ट्रांजिस्टर हैं। समझने की जरूरत क्या है, समझिए बात को, क्या जरूरत है इनकी और क्यों इन पर हम इतने हम इनके ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। रीजन बालक उसका ये है, एक कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है, जिसे हम बोल रहे हैं इस लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो ए बी सी डी इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं समझता है, उसे समझ आती है लैंग्वेज 0 और 1 की, मतलब बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ आपका नाम चिंटू है, ठीक है, तो सी के लिए उसने एक कोड बनाया हुआ, मे बी वट एवर, मे बी क्या होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सपोज करो 0001 000 001 उसने बनाया हुआ चिंटू के लिए, सी के लिए। उसके बाद एच, एच के लिए उसने बनाया हुआ, लेट इट बी 444 या 111, ठीक है, ओके सर। इसी तरह से सी एच आई, आई के लिए उसने 1010 कुछ भी इस तरह से कोड बनाया हुआ। तो कंप्यूटर को समझ में आती है लैंग्वेज, या फिर हमारे ट्रांजिस्टर सर्किट को समझ में आती है लैंग्वेज केवल 0 और 1 की, ठीक, ओके सर। तो हमारे इस छोटे से लैपटॉप के अंदर लाखों ट्रांजिस्टर है सर, तो आंसर है यस। तो हमारा जो छोटी छोटी चिप के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे, इत्तू साइज का जो मदरबोर्ड होता है, इत्तू सा मदरबोर्ड होता है जो आपका है, इसके ऊपर ही हजारों लाखों ट्रांजिस्टर इसके ऊपर हमने बना रखे हैं, फिट कर रखे हैं। इतनी नैनो स्केल पर टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास है फिलहाल, ओके सर। ऐसा क्यों, इन चीजों का इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, सपोज करो, और पहले ऐसा होता भी था, इवन ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर ऐसा हुआ है चीजें,
तक हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी अपग्रेडेड नहीं थी, मोबाइल फोन नहीं थे, फोन उतने हमारे पास नहीं थे एक दूसरे कम्युनिकेट करने के लिए। तो क्या करते थे, कोड की फॉर्म में सिग्नल भेजते थे, साउंड की फॉर्म में या जिस भी तरह से भेजा जा सकता हो। उसमें क्या करते थे, या फिर ऐसा भी हो जाता था तुम्हारा कोई एक कंट्री का स्पाई दूसरी कंट्री में है, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में आप लोगों ने देखा होगा हिटलर साहब के साथ जंग हुआ था, फ्रांस अमेरिका ये सब कूद पड़े थे, जापान अपना उसके साथ ही था हिटलर के साथ। तो जब ये जंग हुआ था तो स्पाई भेजे जाते, जासूस भेजे जाते थे। तो जासूस क्या करते थे, अगर वो कुछ भी लिख करके भेजेंगे एक जगह से दूसरी जगह, किसी भी फॉर्म में सिग्नल देंगे तो वो सिग्नल पकड़ा जाना है, ठीक है। किसी फॉर्म में अपना मैसेज भेज रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो पकड़ा जाना है पक्की बात, उसको पढ़ लेंगे लोग, पकड़ लेंगे क्या चीजें हैं। तो किसी किसी तरह से या कैसे कम्युनिकेट करते थे वो, ऐसा भी कम्युनिकेट किया जाता था। कैसा सर, सपोज करो जहां उसका घर है वहां से कुछ दूर दूरी पर उसका दोस्त है जिस जगह पर है वो, सपोज करो जहां भी वो जासूसी कर रहा है उसके आसपास, उस जगह अपने घर पर उसने लाइट, अपने घर की लाइट या उस जहां पर रूम पे रुका हुआ है उसने लाइट ऑन की, और उसका उस जगह को उसका जो दूसरा दोस्त है, दूसरा जादू वो है, उसको देख सकता है, उसको 1-2 किलोमीटर दूरी पर जहां पर। तो क्या करते थे, कोड सेट कर लेते थे कि मैं अगर हर एक 2 सेकंड के इंटरवल पर मैं लाइट को ऑन ऑफ करूंगा कलर की अपने, कैसे सपोज करो पहले सेकंड स्टार्ट हुआ एग्जैक्टली 8 बजे आपको नोटिस करनी चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली 8 बजे आपको नोटिस करनी चाहिए, लाइट को ऑन करेंगे 8 बजे देखा, फिर अगली 2 सेकंड बाद फिर से अगर ऑन करता है तो 1 लिखना है, नहीं करता है 0 लिखना है, अगले 2 सेकंड बाद फिर से देखना है 0 है कि 1 है। इसी तरह पहला कोड चलेगा 30 सेकंड तक, फिर उन पर्टिकुलर सिंबल के लिए, जैसे मैंने बताया आपको 4 डिजिट के लिए स्टार्टिंग, जैसे उसने किया अगर उसने लाइट ऑन की तो मतलब 1, नहीं ऑन की अगले 2 सेकंड बाद तो 0, अगले 2 सेकंड में तो फिर से 0, अगले 2 सेकंड बाद फिर से ऑन की तो 1। कोड बना 1001, 8 सेकंड में कोड बन गया आपका। तो उस 1001 का मतलब यहाँ पर स्पेसिफिक रहता था कि ये मतलब है इस 1001 का, ठीक है। फिर अगले 1001 या 101 जो भी आप वो बनाए तो अपना पूरा का पूरा मैसेज इस तरह वो कोड करते थे और दूसरा उसको इंटरसेप्ट करते थे, अच्छा ये पॉसिबल इसका आंसर हो सकता है, और उनको बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। कोई नहीं समझ पाएगा कि भाई किसी घर के लाइट ऑन ऑफ हो रहे तो उसको क्या मतलब किसी से, ठीक है। और ये सब की जाती थी, कहीं पे इंसान फंस जाता था उसको इंडिकेट किया जाता था कि भाई ये सिचुएशन है, ठीक है, कि इसका मतलब ये है, पहले से उनको ट्रेन करके भेजा था जासूसों को, भाई इसका मतलब ये है, अब आप 2 बार लाइट ऑफ कर रहे हो, 2 बार लाइट ऑन कर रहे हो, इसका पर्टिकुलर मतलब ये है, आपने लाइट 4 बार ऑन की है अगले 8 सेकंड में तो इसका मतलब ये है, 4 बार आपने लाइट ही ऑन नहीं की है तो मे बी देयर मे बी डेंजर, देयर मे बी समथिंग, तो आपको इंडिकेट कर देगा ये है कहानी से कुछ। टॉर्च के नॉट ओनली घर के लाइट, टॉर्च से भी एक बार टॉर्च ऑन की, 2 बार की टॉर्च को आप अच्छी खासी अगर मजबूत लाइट है आपकी ऊपर की तरफ थ्रो कीजिए, अच्छी खासी बहुत दूर तक चल जाती है लाइट टॉर्च की रोशनी, तो किसी बिल्डिंग के ऊपर किसी टावर के ऊपर बहुत एक बहुत बड़े एरिया में आप कम्युनिकेट कर सकते हो। बिल्डिंग के ऊपर आप टॉर्च मार रहे हो किसी के चोटी के ऊपर बिल्डिंग के टॉप पर, तो एक दो और उसको दूसरा बैठा हुआ देख रहा है कहीं दूर से जो बॉर्डर के आसपास है, जो कहीं भी हो जो कम्युनिकेट करा सकता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। तो ये ड्यूरिंग वर्ल्ड वार की चीजें होती थी, ये चीजें इंसान के दिमाग में डेवलप हो चुकी थी, अच्छा हम कोड वर्ड में बात करेंगे तो ये है तरीका, हम इस तरह से बात करेंगे, और उसको इंटरसेप्ट किया जाता था कोड को, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज पर बात की जाती थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में, ऐसा कि भाई इस फ्रिक्वेंसी पर इस ये मैसेज हुआ इसको डिकोड करो। कभी कभी ऐसा भी होता था दूसरी कंट्री के जासूस होते थे या फिर एजेंसीज होती थी उनसे भी चालाक निकल जाती थी, ठीक है। तो ये सब चीजें होती थी, पर वहां से भी कहिए और भी बहुत सारी जगह पे ये हमने प्रैक्टिकली देखा कि यार क्यों ना हम जो अपनी लैंग्वेज है इस लैंग्वेज के टर्म्स में बात ना कर करके जो भी हमारी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं क्यों ना हम 1010 के टर्म्स में बात किया जाए, तो कंप्यूटर को यही लैंग्वेज बताई गई। कंप्यूटर को हम जो देते हैं बाइनरी लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन देते हैं, 1 0 या तो 1 सुनेगा वो या 0 सुनेगा, फिर उससे वो एक जो पर्टिकुलर कोड है 4 नंबर का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 2 हो सकता है, उसके लिए एक कोरस्पोंडिंग वर्ड या लेटर असाइन है वहां पर, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ टोटल चारों के चारों 0 है इसका मतलब उसके लिए वहां पर मे बी माइट बी ए का मतलब ये हो सकता है कि ए को लिखना है तो सारे 0 होनी चाहिए, बी को लिखना है तो 5 लेटर का बना सकते हैं, ठीक है, 5 लेटर से आप डिजाइन कर सकते हैं कि भाई 5 की 5 0 है तो मतलब ए है इसका मतलब, लास्ट में 4 0 है और 1 है तो इसका मतलब आपका बी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको लिखना आंसर आपका पूरा 0 और 1 की फॉर्म में है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है,
01 इस कंप्यूटर के लैंग्वेज को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा कंप्यूटर या माइक्रो कंट्रोलर या फिर लैपटॉप या फिर आपका मोबाइल एक की स्पीड स्लो और एक की स्पीड फास्ट होती है, ठीक है। जो एप्पल के आईफोन वगैरह होते हैं, सुना है मैंने कि शायद वो हैंग वगैरह नहीं होता, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, ठीक है, हमने सुना है कि वो हैंग वगैरह नहीं होते, या फिर हाँ मतलब प्रोसेसर उनके काफी बेहतर होते हैं बाकी कंपेरिजन में। क्या रीजन है, क्या अलग है उनके प्रोसेसर में? सर उनके प्रोसेसर में जो हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स इस्तेमाल किए हैं या फिर कोई जो लॉजिक गेट इस्तेमाल किए हैं वो बहुत ही फास्ट है एज कम्पेयर टू नॉर्मल, या फिर दो मोबाइल या दो लैपटॉप ले रहे हैं, इस एक की स्पीड बहुत ही स्लो है, एक आपका i3 जनरेशन का है और एक आपका i7 जनरेशन का है लैपटॉप कंप्यूटर, तो बालक उसमें डिफरेंस क्या, उनकी प्रोसेसिंग में डिफरेंस है और उसी के ही वो प्राइस बढ़ जाते हैं काफी ज्यादा, मल्टीपल फोल्ड हो जाते हैं टाइम। तो बालक ये जो प्रोसेसिंग की कहानी है इसमें क्या हो रहा है, वो जो 01 की कहानी है ना, जिसकी प्रोसेसिंग हाई है बड़ी तेज से 0101 जो भी उसको कोड करना है उसको इंटरसेप्ट करेगा तुरंत 0101 की फॉर्म में तुरंत आपको रिफ्लेक्ट करेगा, अच्छा ये है इसका मतलब, जबकि स्लो कंप्यूटर जो है थोड़ा टाइम लेगा, अच्छा 0 का ये मतलब 1 का ये मतलब 0 का ये 1 का मतलब, इस तरह से। तो जहां पर प्रोसेसिंग जल्दी होगी वो आपका लैपटॉप फास्ट रहेगा, लैपटॉप कंप्यूटर वट एवर भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूट होगी, तो ऐसे कुछ कहानी है, यही सारी प्रोसेस की कहानी, जिसकी प्रोसेसिंग ज्यादा अच्छी है मतलब वो चीजों को जल्दी से इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है, और उनको समझ रहा है कि अच्छा इसका ये मतलब है, इसका ठीक है, ओके सर। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हमारी लाइफ में डे टू डे लाइफ में आप लोग बहुत सारी चीज देखते हैं सेमीकंडक्टर की, और डे टू डे लाइफ में बढ़ते ही जा रही है चीजें, ठीक है, आपकी LED, ठीक है, तो कंप्यूटर हो गया की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर आप कहिए डिजिटल वॉच, ठीक है, अब तो स्मार्ट वॉच भी आने लगी है, सारे सारे डिजिटल चीजों पर ही बेस्ड है। आप देखते होंगे 3D होलोग्राम जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो शायद आपने देखी होगी, इंसान वहां पर नहीं है लेकिन ऐसा फील होता है कि यही पर इंसान 2D में नहीं 3D में रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ठीक है, वर्चुअल मीटिंग के लिए है ना, हाँ। तो उसमें आप लोग देखते हो कि वो सारी सारी टेक्नोलॉजी है हमारी इसी के बेस्ड है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक से ही निकल के आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट या फिर कहीं मोस्ट स्पेसिफिक सेमीकंडक्टर कह सकते हैं आप, ये अच्छी खासी की इंपॉर्टेंट ब्रांच है, इसीलिए जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, पहले मैं आपको बता दूं अगर आपसे 30-40 साल पहले की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कोई ब्रांच ही नहीं होती थी, ठीक है, हमारी जो इंजीनियरिंग की ब्रांचेस होती थी मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल और यही मेजर जो ब्रांच होती थी बस वही होती थी, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी स्पेसिफिकली, अब इलेक्ट्रॉनिक्स भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी, क्यों, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा स्कोप बढ़ता चला, इतनी ज्यादा चीजें डेप्थ में जाती चली गई, हमारी सब चीजें हो रही है, ठीक, ओके सर। अब समझते हैं, देखिए अगर कोई आपका सिग्नल 0 और 1 की फॉर्म में है, कोई वैल्यू 0 और 1 की फॉर्म में, या तो यस है या फिर नो है, इसका क्या मतलब है सर, बहुत बच्चों को डिफिकल्टी लगती है इसमें भी, सर 0 और यस और नो, जैसे मैंने आपको बताया, अब अपनी बात कहना चाहते हैं, कोई भी आप मैसेज भेजना चाहते हैं, कोई भी वर्ड है उसको आप डिजाइन कर सकते हैं 0 और 1 की फॉर्म में। एग्जाम्पल तौर पर मैंने कहा चिंटू, तो सी के लिए एक पर्टिकुलर कोड है 01 से 01 से मिला करके जैसे ही बनाया है, एच के लिए कुछ और, आई के लिए कुछ और, एन के लिए कुछ और, टी के लिए कुछ और, यू के लिए कुछ और, ठीक। लेकिन जैसे अब मैं बात करूं तो ये जो सिग्नल है जिसमें स्पेसिफिक वैल्यू है या तो 1 है या 0 है और हमारे जो मोस्टली डिजिटल सर्किट होते हैं उसमें 5 वोल्ट और 0 वोल्ट की बात करते हैं, मतलब सर अगर उस सर्किट के अक्रॉस जहां भी अपनी आउटपुट ले रहे हैं अगर 5 वोल्ट है आपका, 5 वोल्ट आ रहा है तो आप मान के चलेंगे अच्छा 1 है, दिस इज ऑन स्विच ऑन, और अगर नहीं है कुछ भी तो उसको मान के चलेंगे 0, और एग्जैक्टली 5 वोल्ट नहीं होता अगर 4.5 4.5 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज उसके अक्रॉस अपीयर हो रही है तो हम कह देंगे अच्छा ये ऑन है मतलब 1 है, ठीक है। लॉजिक हम डे टू डे लाइफ में हम लॉजिक सदा ही लगाते रहते हैं, ऐसा नहीं कि आज पहली बार हो रहा है, कैसे सर, एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, सपोज करो हम घर से बाहर गए और घर आके देखा हमने कि उसका घर का लॉक जो है खुला, लॉक जो है लॉक लगा हुआ है, तो हम दिमाग से लॉजिक घर का ताला लगा हुआ है तो हम दिमाग से लगा अच्छा यहाँ पर मम्मी पापा घर गए हुए मतलब बाहर गए हुए हैं भाई, मम्मी पापा घर पर नहीं है, है ना, उसका दरवाजा खुला हुआ है घर का, तो मतलब इतना तो लॉजिक, यही बिल्कुल कॉमन सी बात है, लॉजिक ही है, लॉजिक लगा अच्छा घर पर कोई है ना, बिल्कुल सर, कहीं देखा कि आपने कुत्ता बिल्ली कुछ पाल रखा है वो कहीं भोग रहा है, सब शायद कुछ बात हो सकती है, पता नहीं उसने क्या दे दिया, छोटे छोटे लॉजिक हम डे टू डे लाइफ में लगाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। और जैसे सपोज करो आप
ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, लेट इट बी आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं ट्रेन से, तो टीटी को इंस्ट्रक्शन दी गई है, जो आपका टिकट चेकर है उसको, है ना, उसको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि लोगों को एंट्री तब देनी है जब उनके पास टिकट हो। तो अगर आपके पास टिकट है तो आइए, नहीं है तो मत आइए, यहाँ पर एंट्री नहीं है। ये एक लॉजिक है, और भी लॉजिक दे सकते हैं। अच्छा, ये लॉजिक हो सकता है, अगर उसके पास टिकट है तो एंट्री देंगे अगले गेट पर, दूसरा टीटी कह सकता है, अगर आपके पास टिकट तो होना ही चाहिए, साथ में आपके पास कोई ना कोई आईडी प्रूफ भी होना चाहिए। आईडी प्रूफ में सपोज करो उसने दो आईडी प्रूफ रिलीज बोल दिया कि या तो आपके पास आपका वोटर आईडी कार्ड हो या फिर आधार कार्ड, इनमें से कोई एक होगा तो चलेगा। तो किसी के पास वोटर आईडी कार्ड है, यस प्लीज, किसी के पास आधार कार्ड है, यस प्लीज, किसी के पास दोनों है, यस प्लीज, किसी के पास दोनों नहीं है, नो यू आर नॉट अलाउड टू एंटर। तो ये क्या है, छोटे छोटे लॉजिक है जो हमारे डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं। ठीक है, लॉजिक से ही हमारी सारी दुनिया चल रही है, समझ आ रही है बात। सपोज करो आपने मतलब कहीं गए या अपने रूम पर ही आए, ठीक है, अपना कहीं आप हॉस्टल में कहीं रूम पर कहीं भी रहते हो और आके देखा आपने, अरे पूरा रूम मेरा तहस नहस पड़ा है, तो आप समझ रहे हैं कुछ गड़बड़ हुई है, तो है ना। तो ये छोटे छोटे लॉजिक है जो हम डे टू डे लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो वही लॉजिक की कहानी को हम लोग लॉजिक गेट के टर्म्स में बात करेंगे कि अगर अच्छा ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है। ठीक है, छोटे छोटे लॉजिक जो हम डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं, वही लॉजिक गेट सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में। सबसे पहले जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो वी विल स्टडी लॉजिक गेट्स। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा लॉजिक गेट का क्या मतलब है। अगर हम इनपुट दे रहे हैं उसको तो आउटपुट का मतलब, आउटपुट पर ये होना चाहिए मेरा। जैसे मैंने अभी टीटी वाली बात बताई है, जो आपका टिकट चेकर होता है ट्रेन के अंदर, अगर कोई इंसान ट्रेन में एंटर कर रहा है तो उसके पास क्या मतलब है, बाहर से टीटी खड़े होंगे, इसका मतलब ये है कि उसके पास टिकट होगा और कोई ना कोई आईडी प्रूफ होगा। ठीक है, पहले गेट पर हमने कहा कि टिकट दिखाइए खाली यहाँ पर, ठीक है, तो अगर टिकट है तो चलिए आइए, नहीं है तो आप वहीं पर रुकिए। ठीक है, दूसरा एंट्रेंस ऐसा भी हो सकता है, अभी तो फिलहाल या आने वाले समय में हो सकता है, कोविड वैक्सीन को लेकर भी एयरपोर्ट पर आपको दूसरी कंट्री का वीजा या आपको अलाउ तभी होगा दूसरी कंट्री, जब आप इफ यू आर वैक्सीनेटेड देन मोस्ट वेलकम टू द कंट्री, इफ यू आर नॉट वैक्सीनेटेड देन प्लीज स्टे देयर। तो ये भी आने वाला टाइम का पासपोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो रिगार्डिंग कोविड, तो प्यारे बच्चा ये आपका लॉजिक है कि भाई अच्छा आपने वैक्सीनेटेड हो तो प्लीज यू मे कम, और आप वैक्सीनेटेड नहीं तो यू आर नॉट अलाउड टू कम इन। ठीक है, टीटी वाली बात मैंने आपको बताई। तो ये क्या है, छोटे छोटे लॉजिक हम डे टू डे लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक, चलिए आइए समझते हैं इस लॉजिक गेट को और बुलियन अलजेब्रा को कैसे कैसे से सॉल्व करना है। इससे रिलेटेड देखिए हर साल क्वेश्चन आते हैं, इत्तेफाक की बात ऐसी हो सकती है किसी बच्चे को मल्टीपल आपके सेट रहते हैं, तो हो सकता है जिस आपकी जो भी आपका मॉर्निंग शिफ्ट है शाम वाली शिफ्ट है उसमें किसी के में हो सकता है किसी के में नहीं हो सकता, बट आते तो हर साल है। ठीक है, ओके सर जी, तो चलिए हियर वी गो। हेडिंग लगाइए बालक, अच्छा क्या लगाइए हेडिंग, पहली हेडिंग लगाइए एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स, एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स। एनालॉग की स्पेलिंग आपको अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगी, एंड डिजिटल सर्किट्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझते हैं क्या है, एनालॉग और डिजिटल सर्किट में। देखिए जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो बालक मेरी जो फ्रिक्वेंसी है या फिर मैं जो भी बातें कर रहा हूँ कम्युनिकेट कर रहा हूँ उसमें फ्रिक्वेंसी जो है, मेरे बोलने की फ्रिक्वेंसी बहुत सारी है, मल्टीपल फ्रिक्वेंसी है मेरे पास जिससे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा हेलो, आवाज में चेंज में कर सकता हूँ थोड़ा सा, तो मेरे पास मल्टीपल फ्रिक्वेंसी लगभग ऑलमोस्ट एक रेंज में यहाँ से यहाँ तक की फ्रिक्वेंसी से मैं बात कर रहा हूँ। लेट इट बी मैं 400 से लेके 500 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी में बात कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत सबकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। तो ये तो है कहानी एनालॉग, एनालॉग की कहानी। ठीक है, यस सर, डिजिटल की बात मतलब ये है कि मैं दो ही फ्रिक्वेंसी में बात करूँ, या तो 300 में या तो 400 में या 500 में, बीच का कुछ भी ना हो। तो ये कैसा हो गया, डिजिटल हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर
पहले हमारे घरों पर जब इलेक्ट्रिसिटी उतनी अच्छे से नहीं थी, अभी भी हो सकता है गांव में ना हो तो अच्छे से, लेकिन अभी फिर भी ठीक है चीजें, तो पहले हम फेस करते थे ये सारी प्रॉब्लम। एग्जाम्पल के तौर पर जो हमें इलेक्ट्रिसिटी आती थी, अगर हमारे घर पर वोल्टेज, या वोल्टेज जो मेजर करने वाला होता है, इसको वो स्टेबलाइजर भी बोल देते हैं हम लोग, बार घरों पर लगा लेते हैं, तो वो होता था पहले। तो हमारे यहाँ सच्चाई ये होती थी गाँव में कि आपकी वोल्टेज जो है एग्जैक्टली 220 नहीं आती थी, कभी आपकी 210, कभी 200, कभी 180 तक पहुंच जाती थी, 170 तक। तो 180 से लेके आपकी 250 वोल्ट तक वोल्टेज आती थी घरों पर से, इस रेंज में, इतने बड़े रेंज में। लेकिन अगर प्रॉपर सब स्टेशन है, सारी चीजें प्रॉपरली काम कर रहे हैं, तो हमारी जो वोल्टेज होगी फिक्स आएगी, या तो 220, 220 अगर मैं मान के सुन, या फिर 0, ये तो आएगी नहीं। इतनी बड़ी रेंज में अगर आ रही है आपकी 180 से लेकर के 250 तक, तो आपके पास सारी वोल्टेज पॉसिबल हो सकती है, 180, 181, 182, 190, 200, 210, सारी बीच के सारी 10, 12, 50, 100 वोल्टेज हो सकते हैं बीच में जितने भी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे वोल्टेज चाहिए ना डिजिटल फॉर्म, ठीक है, मतलब या तो होना चाहिए 1, 1 मतलब 220 वोल्ट, नहीं तो होनी चाहिए 0, बीच का कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो ये क्या है सिग्नल, एक तरह का दिस इज डिजिटल सिग्नल। घड़ी में आप टाइम देखते हो, अगर आपके पास जो दीवार पर लगाई जाती है दीवार की घड़ी, तो वहां पर आप टाइम देखते हो, तो आप रेंडमली देखते हो, अच्छा सुन इधर है इधर है, एग्जैक्टली टाइम नहीं बता पाते हैं, मतलब एग्जैक्टली इन द सेंस, वो अगर चार सुई जो है, एक सुई छोटी सुई 5 पर है और बड़ी सुई आपकी कहीं 2, 10, 2 और 3 के बीच में कहीं है, तो ठीक है, या तो 5:15 बता देंगे, 5:15 बता देंगे, या 5:20 बता देंगे, और स्पेसिफिकली देखा तो 5:17 के आसपास है कुछ, तो आपके पास सारी पॉसिबल वैल्यूज है। वहीं अगर हम डिजिटल की बात करें, तो वहां पर आप एग्जैक्ट देख सकते हो, अच्छा ये वैल्यू, ठीक है, क्योंकि वो जो है बीच की जो वो कहानी है जिसमें हम कंफ्यूज होने वाली कहानी, वो नहीं है उसमें, या तो इतना है या इतना है, बात कर दें, ठीक है। ओके सर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपका, आपने बॉल फेंकी बास्केटबॉल की, बास्केट के अंदर गोल करने के लिए, तो या तो गोल होगा या नहीं, बीच की कहानी नहीं है, ये है कहानी डिजिटल की, ठीक है। ओके सर जी, तो प्यारा बच्चा, अगर मैं एनालॉग सिग्नल को ड्रॉ करना चाहूँ, तो एनालॉग सिग्नल किसी भी सिग्नल होता क्या है, सिग्नल बालक कोई भी एक फंक्शन हो सकता है, टाइम का फंक्शन होता है, डिस्टेंस हो सकता है, किसी टेम्परेचर को सकता है, उसको बोलते हैं सिग्नल, ठीक। ओके सर, तो बालक आपका जो एनालॉग सिग्नल है वो कुछ ऐसा हो सकता है टाइम के रेस्पेक्ट में, सपोज करो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई भी फंक्शन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यू हो सकती है कुछ इस तरह की, ठीक है, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है इसकी। लेकिन अगर मैं बात करूं वही, ये कैसा है एनालॉग सिग्नल, और अगर मैं बात करूं आपके डिजिटल सिग्नल की, तो डिजिटल सिग्नल विल बी लुक लाइक दिस, या तो इसकी वैल्यू 1 होगी, सपोज करो आपने यहाँ पर, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 220 वोल्ट का अपने, जिसको मैं 1 कह रहा हूँ, या तो आपकी वोल्टेज या तो ऑन रहेगी कुछ टाइम तक, ठीक है, लाइट आ रही है घर पे तो आ रही है, और नहीं तो नहीं सर, बीच की कहानी कुछ नहीं है, या तो आपकी लाइट आ ही रही है सर, या फिर नहीं, अगले कुछ घंटे गायब, फिर कुछ अगले घंटे आपकी वापस है लाइट, और अगले कुछ घंटे लापता है, मतलब या तो आपकी 220 वोल्ट है या नहीं, ये बीच की कहानी नहीं है कि यहाँ पर आपका 250 से लेकर के 180 के बीच में डांस चल रहा है, ठीक है, ये आपका एनालॉग सिग्नल है, दिस इज डिजिटल सिग्नल, ठीक है। हमारी डे टू डे लाइफ में जनरली हमें एनालॉग सिग्नल काफी देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने टीटी का भी एग्जांपल दिया था, टिकट नहीं है, नहीं है सर, ठीक है तो अच्छा कायदे में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए थी, टिकट भी नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है सर टिकट, तो उसके बाद आपके पास आईडी प्रूफ करने का सर, वो भी नहीं है सर, थोड़ा पैसे वैसे दे ले, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है, डे टू डे लाइफ में हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो डिजिटल सिग्नल में क्या होगा बालक, या तो आपका लेवल ये रहेगा, इसको लेवल 1 बोल देता हूँ मैं, या फिर आपका लेवल 0, इनमें से कुछ होने वाला है, जबकि एनालॉग सिग्नल में कुछ भी वैल्यूज आपकी हो सकती हैं जैसे भी है, ठीक है। अच्छा, फायदे क्या है डिजिटल सिग्नल के, इसकी एक्यूरेसी और प्रेसिजन ज्यादा होता है, उम्मीद करता हूं आपको एक्यूरेसी और प्रेसिजन में डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होगा, एक्यूरेसी प्रेसिजन इसका कंपैरेटिवली ज्यादा होता है किसका, डिजिटल सिग्नल का, ठीक है, लेकिन साथ में कुछ कुछ चीजें लापता भी रहती हैं, लापता इन द सेंस हम हमें एक सेट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक आप मान लेंगे, यहाँ से अगर कम है तो उसको 0 लेंगे। हम जो डिजिटल सिग्नल
मोर स्पेसिफिक लेते हैं 0-1 अपने डिजिटल सर्किटरी जितनी पढ़ते हैं उसमें जो वोल्टेज को आप यस कहते हैं या फिर वन कहते हैं, यस कहते हैं या फिर वन कहते हैं। इसका मतलब प्यारा बच्चा ये है कि हम लगभग हमारी जो मोस्ट इक्विपमेंट है उसके अंदर फाइव वोल्ट हमें मिलती है। अगर 5 वोल्ट है तो हम इसको कोरस्पोंडिंग असाइन करेंगे ये 1 है, और एक्चुअल में इसमें थोड़ी सी रेंज देते हैं 4.5 से अगर बड़ी है वैल्यू, वोल्टेज जो है 4.5 से बड़ी है, अगर वोल्टेज इज ग्रेटर देन 4.5 तो बालक उसको हम असाइन करेंगे 1, और अगर 4.5 से छोटी है तो उसको हम असाइन करेंगे नंबर 0। वोल्टेज इज लेस देन 4.5 उसको वी विल असाइन एज 0। ठीक है, 0-1 क्यों इंपॉर्टेंट है ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। हमें कंप्यूटर के लैंग्वेज में उस कंप्यूटर को बाइनरी ही समझ में आती है, बाइनरी ही बोलते हैं 0-1 की लैंग्वेज को। ये चीजें कंपैरेटिवली काफी इजी है, दुनिया भर की लैंग्वेज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है ये। हर एक कंप्यूटर कहीं भी हो उसको समझ सकता है 0-1 की लैंग्वेज को। तो हमने अडॉप्ट किया कि भाई 0-1 की लैंग्वेज में ही बात करेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि भाई एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या होता है। एनालॉग में आपको सारी वैल्यूज मिल सकती है किसी भी पर्टिकुलर अलग अलग टाइम पर सारी वैल्यूज पॉसिबल है, लेकिन डिजिटल में सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। या तो आपकी हाई होगी, हाई मतलब जो भी आपने 230 वोल्ट पे ने यहाँ पर एग्जांपल लिया 5 वोल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकती है भाई, या फिर सीधा 0 है जिसको हम बोलेंगे लो। क्लियर है यहाँ तक कहानी? मेरे ख्याल से यहाँ तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है। एडवांटेज क्या है डिजिटल सिग्नल के भाई? हाई एक्यूरेसी होती है कंपेरेटिवली, आसान होता है डिजाइन करना, ठीक है, और इंफॉर्मेशन को इजीली आप स्टोर कर सकते हो। और भी बहुत फायदे हैं इसके, नॉइज, नॉइज के प्रॉब्लम से आप बच सकते हो, फालतू का बीच में कुछ नहीं हो सकता। नॉइज क्या होता है सर? आवाज नहीं बेटा, नॉइज मतलब एक तरह का डिस्टर्बेंस। ओके सर, चलिए आते हैं बालक, आगे बढ़ते हैं बाइनरी सिस्टम पर। इसमें कुछ लिखना हो आपको तो लिख सकते हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, नो डाउट, नो, कोई डाउट नहीं। डिजाइन किया है 5 वोल्ट और वही कहानी में डिजाइन किया तो 4.49 के लिए क्या चूज करेंगे? अगर 4.5 से छोटा है तो सारी वैल्यू 0 पर जाएंगे। 4.5 से छोटा है तो सारी वैल्यू 0 पर जाएंगी। एक छोटा सा सर्किट और मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इधर जरा, देखो बालक, अगर मैं एक स्विच लगा देता हूँ, ये लो एक स्विच लगा दिया मैंने यहाँ पर, यस सर, और यहाँ पर आपने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर आपकी बैटरी कनेक्ट कर दी। बल्ब को जब ग्लो हो रहा है, बल्ब अगर ग्लो हो रहा है तो मैंने कहा इसको ट्रीट करना आपको 1 की तरह, या फिर हाई, ये हाई है इसको 1 की तरह ट्रीट करना। और बल्ब अगर ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, आपका स्विच ऑफ है, ठीक है, नॉट ग्लोइंग, तो इसको ट्रीट करना है 0 की तरह या फिर लो की तरह, ठीक है प्यारा बच्चा। तो इसके लिए क्या लॉजिक है? लॉजिक सर सिंपल सा, अगर ये की बनाई है, अगर ये नीचे क्लोज रहेगी, अगर की क्लोज रहेगी तो इसका लॉजिक क्या बन गया? की के ऊपर डिपेंडेंसी, अगर की क्लोज है तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा आउटपुट पर? आपको सर बल्ब ग्लो हो रहा है, मतलब 1 मिलेगा। अगर की आपकी ओपन है तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? सर 0 मिलेगा, मतलब लो मिलेगा या हाई मिलेगा। ये बन गया लॉजिक एक छोटा सा, ठीक, क्लियर है। एक और बना सकते हैं, देखिए हम इन्हीं की तर्ज पर आगे बढ़ेंगे, हम चीजें पढ़ाएंगे चीजों को। देखिए सपोज कर आपने एक बैटरी लगाई, और यहां पर एक सर्किट डिजाइन कर दिया, यहाँ पर एक की लगा दी इस तरह से, और यहाँ पर आपका बल्ब ग्लो,
यहां पर आप अपनी आउटपुट देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए प्यारा बच्चा, अगर आपका बल्ब, ये ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, अगर आपका की, अगर आपकी की जो है कहां पर कॉन्टेक्ट कर रही है, अगर ए पर कनेक्टेड है, ए पर कनेक्टेड क्या होगा, इधर कनेक्ट हो जाएगी यहां पर, बिल्कुल सर। अगर आपकी की ए पर कनेक्टेड है, यहां से यहां कनेक्टेड है, तो क्या आपका बल्ब ग्लो होगा? आंसर नहीं सर, क्योंकि ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, सारा का सारा करंट इस ब्रांच से पास हो जाएगा। तो अगर आपका, और आउटपुट कहां पर देख रहे हो आप, आउटपुट देख रहे हो यहां पर, ठीक है। तो की पोजिशन अगर ए पर है, इफ की इज एट ए, तो आपकी जो आउटपुट है वो क्या होगी, हाई की लो, तो आपका वो सर लो होगी, यहाँ से कोई करंट पास नहीं, क्योंकि आपका जो ये है आपका बल्ब है, इसके अंदर तो रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर जब ये ए से कनेक्ट कर दिया आपने, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं, वो शॉर्ट सर्किट वाला पाथ फॉलो करेगा, आपको आउटपुट का कुछ नहीं मिलेगा, आउटपुट कैसे, जीरो या लो, ठीक है, जीरो कहिए या फिर लो कहिए। अगर आपकी की बी पर कनेक्ट कर दूं मैं इसको, इट इज कनेक्टेड हियर एट बी, तो क्या कहानी होगी सर, आउटपुट क्या मिलेगी आपको, अब आपका करंट किससे पास होगा, आपके बल्ब से, तो आपको आउटपुट मिलेगी हाई, मतलब लोड आपका हाई मिलेगा, वन मतलब, ठीक है। ये बन गया हमारा सर्किट, ये जो सर्किट है इसी को बोलते हैं नॉट गेट। अभी आएंगे हम एक एक करके चीजों पर, सारी चीजों पर आएंगे, ठीक है, ओके सर जी। तो ये छोटे छोटे से लॉजिक हैं जिनको आप गेट को स्टडी करने में आसान रहेगा, एक छोटा सा और लॉजिक गेट है, जनरली जस्ट लॉजिक गेट। अब देखिए एक और चीज देखिए, जैसे मैंने टीटी वाला आपको एग्जांपल दिया था, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर मैंने एक सर्किट डिजाइन किया कुछ ऐसा, यहां पर आपका बल्ब लगा दिया और एक और की लगा दी, ठीक है। अब ये स्विच S1 है, एक दूसरा S2 है, आपका बल्ब कब ग्लो होगा, तो आप कहोगे सर अब हमारे इनपुट एक नहीं दो हैं, इनपुट एक नहीं दो हैं, अब अगर हमने दोनों इनपुट दिए हैं बिल्कुल ऐसे ही, कलेक्टर सॉरी डीटी जो है आपका कब आपको आने देगा, एंट्री कब देगा, आप कहोगे सर जब मेरे पास टिकट भी होगा और मेरे पास आईडी प्रूफ भी होगा, अगर मेरे पास कोई भी एक दोनों चीजों में मिसिंग है तो हो सकता है मुझे एंट्री ना मिले। तो बालक यहाँ पर इनपुट क्या है आपकी, एस वन और एस टू, दो की है आपकी, बिल्कुल सर। अगर दोनों को आपने ओपन रखा, सपोज को मैं जीरो बोल देता, तो क्या आपका बल्ब ग्लो होगा, सर पूरा सर्किट टूटा हुआ है, कोई मतलब नहीं, आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, आउटपुट क्या रहेगा, आप कहोगे जीरो, कुछ नहीं मिलने वाला आउटपुट, ठीक है। अच्छा, अगर आपने स्विच एस पहले वाला ऑन कर दिया है, दूसरे को ऑफ ही रखा, तो अभी भी क्या सर्किट कंप्लीट हुआ, आंसर है नहीं सर, नहीं, अभी भी आपको आउटपुट नहीं मिलना। अच्छा, आपने बदल दिया इनको, स्विच एस वन को ओपन रखा, एस टू को क्लोज कर दिया, तो क्या अभी आउटपुट मिलेगी, सर अभी भी सर्किट कंप्लीट नहीं है, अभी भी आप हमें आउटपुट नहीं मिलने वाले। अच्छा, दोनों स्विचेस को अगर आपने ऑन कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया स्विचेस को दोनों को, अब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा सर, बाकी ना इसको यहाँ पर पटक दीजिए, इसको यहाँ पर पटक दीजिए, सर्किट कंप्लीट, अब आपका बल्ब ग्लो होगा, मतलब आपकी आउटपुट क्या है, वन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह के गेट को बोलते हैं एंड गेट, मतलब एंड का मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन, एक तरह से आपका एस वन भी क्लोज होना चाहिए एंड एस टू भी आपका क्लोज होना चाहिए, दोनों हाई पर होना चाहिए एंड, तब जाकर आपको मिलेगी आउटपुट। इस वाले केस में देखो जरा, सेकंड वाला जो मैंने बनाया, अगर आपका की जो है, अगर आपने इसको नाम दे दिया है कि भाई क्लोज है ऊपर की तरफ, इसको वन दे दिया, दूसरे वाले को जीरो दे दिया, ए को आपने नाम दे दिया है वन और बी को नाम दे दिया है जीरो, क्या कहोगे, जब आपकी इनपुट पर वन है तो आउटपुट पर आपको जीरो मिल रहा है, इनपुट पर जीरो है तो आउटपुट पर आपको वन मिल रहा है, समझ में आ गई, ठीक है। ये आपका नॉट गेट है, ये आपका इस गेट को बोलते हैं एंड गेट। ये छोटे छोटे लॉजिक है, इन्हीं से हमें समझने में आसानी मिलती है, क्योंकि हमारे पास इनपुट बहुत सारी होती है, बहुत सारी इनपुट, इतने सारे लॉजिक गेट आपके मोबाइल पर या लैपटॉप पर लाखों लॉजिक गेट लगे हुए, आप समझ सकते हो उसके मदरबोर्ड पर लाखों लॉजिक गेट लगे हुए हैं, तो जितनी ज्यादा हमारे पास बहुत सारा दुनिया भर का डेटा है, आप एक पेज को लोड कर रहे हो किसी भी, उसके ऊपर दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है, एक एक लेटर के लिए, एक एक लेटर के लिए अलग अलग आपके 0101 डिसाइड करना, उसको डिफाइन करना, उसको आपके सामने डिस्प्ले करना, तो आप समझ रहे हो एक पेज डिस्प्ले करना मतलब कितनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है उसको, 0101 इसका मतलब है कितनी सारी इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर, उनको जितनी जल्दी से क्विकली फॉलो कर सकते हो उसके लिए क्या चाहिए, बहुत सारे गेट्स चाहिए मुझे, तो 0101 उसको अरेंजमेंट करें फटाफट से सब चीजों को, तो उसके लिए जितना ज्यादा हाई प्रोसेसर होगा मतलब उसमें उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स इस्तेमाल किए गए हैं, उतना ही कॉम्पैक्ट है, उतना ही खतरनाक है हमारे कैलकुलेशन।
समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि सर जैसे अगर मैं कहूं कि सर ये आपने हमें बताया कि जो सिस्टम है हमारा, हमारा जो कंप्यूटर वगैरह का सिस्टम है, ये जीरो और वन की लैंग्वेज को समझता है, मतलब बाइनरी को समझता है। बाइनरी वर्ड सुनते आपके दिमाग में अच्छा अच्छा जीरो और वन के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा कंप्यूटर जीरो वन की लैंग्वेज समझता है, बाकी चीजें नहीं समझता। कंप्यूटर हुआ आपके जितने भी ट्रांजिस्टर वगैरह इनको यही समझ में आता है तो जीरो है या फिर वन है, या तो हाई है या लो है, आप उसी की फॉर्म में अपने सिग्नल को सेट कीजिए। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि सपोज करो आपका क्वेश्चन हो सकता है सर मैंने लिखा, मैं कहना चाहता हूँ 20, तो मैं इसको 0 और 1 की फॉर्म में कैसे लिखूं, या मैं कहना चाहता हूँ 15, इसको 0 1 की फॉर्म में कैसे लिखूं, ठीक है 95, इनको कैसे रिप्रेजेंट करूं मैं 0 और 1 की फॉर्म में। तो इसी को बोलते हैं बालक बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, या डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अगर आपका बेस 10 है, बेस 10 मतलब अगर आपका बेस 10 से इन द सेंस है कि जैसे आपके नंबर्स, हम जो जितने नंबर इस्तेमाल करते हैं 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 10,000, 50,000, 5 लाख जो भी है, ये सब बेस 10 रहते हैं, मतलब डेसिमल है ये रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ओके सर, और हम चाहते हैं इसको रिप्रेजेंट करना 0 और 1 की फॉर्म में, तो मुझसे कोई पूछे सर 6 को आप कैसे लिखेंगे, भाई 6 तो हम तो ऐसा लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में, लेकिन हमसे पूछा जाए इसको आप बाइनरी में कैसे लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे इसके लिए कोड, या 5 के लिए क्या होगा, या 4 के लिए क्या होगा, या 2 के लिए क्या होगा, 1 के लिए तो ठीक है एक जैसा भी आप लिखेंगे, लेकिन 1 के लिए भी कुछ ना कुछ कोड असाइन होगा। तो आइए समझते हैं, हेडिंग लगाइए कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। इसमें कुछ पूछना हो किसी को तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, जो मैंने आपको बताया है छोटा सा इंट्रो। ओके, हेडिंग लगाइए कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी, ठीक है। इसके लिए छोटा सा नियम है, वैसे तो मैं आपको सही बताऊं तो इससे रिलेटेड अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा गया है नहीं प्रीवियस ईयर में, पर फिर भी थोड़ा रहता है खतरा कि यार कहीं हो ना जाए, है ना, तारे जमीन पर, ठीक है। ओके सर, देखिए इसका छोटा सा फंडा है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे आपको सब आ जाएगा। आइए समझते हैं, जैसे मैं कहता हूँ मुझे 2 को रिप्रेजेंट करना, 2 को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ सर 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है। मतलब 2 यहाँ पे छोटा सा 10 लिखूं, ये किस में है, बेस इसका क्या है 10, मतलब डेसिमल में बात करूं, इसको मैं चाहता हूँ रिप्रेजेंट करना बाइनरी की फॉर्म में, मतलब यहाँ लिख दो 2, बाइनरी में 2 नंबर होते हैं ना तो ऐसे लिख देते हैं, तो यहाँ पर जो है इस ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए, व्हाट शुड बी देयर आंसर। अब आई रिपीट, ये मैंने 2 लिखा है, इसका मतलब यहाँ खोपचे में छोटा सा लिखा है ना 10, इसका मतलब ये है 2 डेसिमल में, 10 डेसिमल। अच्छा, इसको आप लिखना चाहते हो बाइनरी में, बाइनरी में 2 नंबर रहते हैं तो यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक है। ओके सर, अगर तो 2 लिखा हुआ तो इसको मैं कितना लिखूं, मैं 0 1 की 0 1 के फॉर्म में। तो प्यारे बच्चे आपको क्या करना है, जो भी आपका नंबर है 2, 4, 6, 5, थोड़ा दूसरा नंबर ले, 4 ले लेते, ठीक है। अगर 4 को आपको लिखना है तो 4 को क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, इसका छोटा सा फंडा है। ओके सर जी, जी आप ठीक है सर, आप 4 को डिवाइड कीजिए 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा, ठीक है। आपका रिमाइंडर कुछ बचेगा, रिमाइंडर जो है इधर राइट की तरफ लिखते रहिए, रिमाइंडर कुछ बचेगा, आंसर है नहीं सर, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है। फिर से जो आपका जो आंसर है, जो आपका क्वेश्चन है, इसको फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, बिल्कुल सर, और आपका रिमाइंडर फिर से कितना, कुछ नहीं बचेगा, ऐसी कुछ कहानी होगी यस नो, बिल्कुल सर यस, इससे आगे कुछ डिवाइड नहीं होगा। जो आपके ये जो इधर है, जो लास्ट वाला नंबर है, इससे स्टार्ट कीजिए अपनी कहानी और ऊपर तक लिखते चले जाइए, मतलब सर 1 0 0, तो ये रिप्रेजेंटेशन है आंसर है यस। बाइनरी में आप 4 को रिप्रेजेंट करेंगे यस 1 0 0 से, और सर ऐसा क्या, हाँ 1 2 आप ट्राई करेंगे, ठीक है। एक बच्चे ने आंसर दिया 1 0 1 1 0 1 नहीं होगा बेटा 1 0 0, एक आप ट्राई करेंगे, बिल्कुल सर। ये अभी तक बाय द वे एग्जाम में पहले नहीं पूछा गया, पर आपको थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। सेकंड में आपको देता हूँ, आप कोशिश कीजिए आप 5 को कैसे लिखें, कोशिश कीजिए 5 को आपको लिखना है इन बाइनरी, टेक अ ट्राई फटाफट क्विक, आपके पास 15 सेकंड है लिखने के लिए,
बताइए आप बाइनरी में 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो रेड कलर से लिखा है मैंने, ये आपके रिमाइंडर है, यहाँ पर रिमाइंडर बच रहे हैं, जो आपके रिमाइंडर बच रहे हैं वो लिखे हैं मैंने। अरे वाह, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया। अरे वाह, कमाल कर दिया तो बच्चा आपने, बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही बढ़िया, और मोस्टली का आंसर सही है। ये हमने बात, थैंक यू सर जी। अरे मैम सर, हमको हल्की मत लिया करो सर, ठीक है, बिल्कुल नहीं लेंगे बेटा, लाइक आपको भी नहीं। फाइव से, फाइव को डिवाइड किया टू से, टू टू जा फोर होता है, एक बच जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। फिर से इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर वन बच गया, यस सर, टू वन जा, बिल्कुल रिमाइंडर कितना, जीरो। तारा बच्चा कितना बचा हमारे यहाँ पर वैल्यू, ये वन, इधर से चलना शुरू करें ए ऐसे, ठीक है, इधर से ऐसे, तो कितना आ गया, वन जीरो वन। तो हम फाइव को सर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यस, ठीक है। वहा सर, ये तो आसान है, यस आसान है, ठीक है, 101 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 10 को बताइए जरा बेटा, तीसरा क्वेश्चन लिखिए, 10 को लिखना फटाफट, 10 को कैसे लिखेंगे हम, 10 का डेसिमल है, इसको आपको बाइनरी में लिखना है, सोचिए और बताइए, 30 सेकंड्स, ये 30 सेकंड मैं नहीं आपको बताऊंगा क्या करना है, सिर्फ मैं खुद कर लूंगा, मत बताना सर। हाँ बहुत अच्छे बेटा, बहुत ही अच्छा अनिकेत, बहुत बढ़िया करिश्मा, बहुत अच्छे बेटा साक्षी, थोड़ी गड़बड़ है उपासना, वेरी गुड यशपाल, बहुत अच्छे बेटा। अरे इतनी जल्दी सीख गए सर, चिंटू मिंटू क्वेश्चन करा रही सर अब हमसे, कलावती थोड़ी गड़बड़ है बेटा, पंकज थोड़ी सी गड़बड़ है, कोशिश की जरा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है, दलीप थोड़ी सी गड़बड़ है, बालक तनिषा थोड़ा सा गड़बड़ है, साक्षी बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड सर, थैंक यू सर, तनिषा थोड़ी सी गड़बड़ है, बालक लेजिट बहुत अच्छे बालक, क्या ये लेजिट ही बिल गेट्स था, अगर दोनों एक ही इंसान है क्या, लेजिट और बिल गेट्स। दलीप बहुत अच्छा बेटा, सपना वेरी गुड, तनिषा बिल्कुल ठीक है, नवीन बिल्कुल ठीक है, बालक अनिकेत आर्य ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ लेजिट ही क्या बिल गेट्स है, जो पहली क्लास में मेरा बिल गेट्स वो करता था, प्यारा बच्चा बिल गेट्स, ये दोनों एक इंसान है कि अलग अलग है, अलग अलग अच्छा अलग अलग है, ओके नहीं सर अलग है, ठीक है। तो बेस 10 है आपका, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा सर जी, फिर 5 को डिवाइड किया क्या हो जाएगा, 2 2 जा, आपका रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर से इसको डिवाइड किया, 2 1 जा, रिमाइंडर 1, ऐसे कुछ यस सर, कहानी यहां से यहां तक ऐसी। तो कितना आ गया, 1 0 1 0, 10 को आप इसको इसको तो आप थोड़ा ध्यान में रख लो, कहीं लिखा दीजिए 10 10 10 10 का मतलब, अगर आपका बाइनरी में समझा 10 ही है, 10 10 दो बार 10 है, मतलब बाइनरी में मतलब आपका डेसिमल का मतलब 10 ही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इसको कर ले जाएंगे, हाँ सर कर तो लेके, एक और कर लीजिए लास्ट जल्दी से, हाँ क्वेश्चन तो बताइए सर, 16 को लिखिए आप कैसे लिखे, नहीं 15 को, 15 को लिखिए कैसे लिखेंगे, क्विक, बहुत ही अच्छा बेटा जया, बिल्कुल सही आंसर है आपका, सपना सब सब बच्चों का आंसर सही है, ओके okay, अरे वाह बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड, ओह माय गॉड, लेकिन आंसर बच्चों के अलग अलग हैं, उपासना पंकज करिश्मा दीपक दलीप यशपाल शौर्या सपना अंकुश साक्षी अनिकेत तनिषा जया कला, ओके okay, बहुत अच्छा बेटा बालक, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए हैं, लेजिट, ओके गॉट योर आंसर। तो देख लेते हैं 15 को आप कैसे लिखेंगे, 15 को डिवाइड करते हैं सर 2 से, तो कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14, 1 बच जाएगा रिमाइंडर, 7 को डिवाइड कीजिए,
कितना जाएगा, दो तीन छह बचेगा एक, तीन को डिवाइड कीजिए, टू वन जा टू और बचेगा आपका वन। तो यहां से लिखिए जो लास्ट का है इससे पूछो, तो कितना वन 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 वन, दिस विल बी योर आंसर। कुछ बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं शायद, किसी ने जीरो वन वगैरह पता नहीं, वन जीरो वन वन नहीं आएगा, मतलब जीरो का क्यों लिखा, देखो मतलब गड़बड़ कर दिया आपने, ठीक है। ट्रिपल फोर टाइम्स वन, दिस विल बी योर आंसर, फोर टाइम्स वन, क्लियर है, गड़बड़ कर रहे हो अभी, ओके। तो एक और करके देख लेते हैं, 23 को कीजिए, 23 को कन्वर्ट कीजिए डेसिमल को उसको आपको बाइनरी में, ओके ठीक है। तो बच्चों का आंसर आ गया है और बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, सारे बच्चे रिप्लाई करो, तनिषा बिल्कुल सही है, शौर्य बिल्कुल सही है आपका आंसर, नवीन बिल्कुल सही है, प्यारा बच्चा अंकुश बिल्कुल सही है, बालक लेजिट बिल्कुल सही है, सपना बिल्कुल सही है, सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, यशपाल थोड़ा गड़बड़ है, बालक समथिंग इज मिसिंग, देखो फिर से आपका आंसर, पंकज बालक आपका भी आंसर गड़बड़ है, डिवाइड तो करना है यार, यहां पर आपको क्वेश्चन लिखते चले जाना इधर इधर और यहाँ पर रिमाइंडर लिखते चल जाना है, बाद में ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन और बाकी के रिमाइंडर लेके चलो, उल्टा 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 ऐसे लिखते हैं। हाँ सर ठीक है, करता हूँ मैं इस बार गलती नहीं करूंगा सर मैं, ठीक है बेटा चिंटू गड़बड़ नहीं करनी आपको, ठीक है सर। 23 टू से डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा, क्वेश्चन कितना बचेगा, 12 दुनी होते हैं 24 और आपका 11 दुनी 22 11, इधर कितना बचेगा रिमाइंडर, वन बचेगा कि नहीं यार, 22 है पक्की बात है, ऑड नंबर है, ऐसा रिमाइंडर वन बचेगा, इधर लिखते चल जाता हूँ रिमाइंडर को, ये रहा क्यों कुछ वन लिख दिया मैंने यहाँ पर, दो से ग्यारह को डिवाइड करो तो 2 5 10 होता है सर, एक रिमाइंडर बच जाएगा, कंफ्यूजन नहीं जाना है बेटा आपको, नहीं कंफ्यूजन आएंगे सर, पक्का ना, बिल्कुल पक्का सर। चलिए और भी बच्चों का आंसर आ गया, दिलीप बिल्कुल सही आंसर है, पंकज गड़बड़ है थोड़ा आंसर, देखो 5 यस सर, फिर 2 2 4 फिर से एक बच जाएगा सर, अब 2 को डिवाइड कीजिए सर, 1 बिल्कुल छूट गया क्या मुझसे, छूट गया हाँ ठीक, ये लिखा 2 2 2 1 2, ये रिमाइंडर कितना हो जाएगा लास्ट में, कुछ भी नहीं, और यहां से लिखना शुरू करो भाई से, सबसे लास्ट का क्वेश्चन और ये बाकी सारे रिमाइंडर इनको लिख दो, तो कितना आ गया 1 0 1 1 0 1, समझ में आ गई बात मेरे ख्याल से, अब आप इनको सर क्या बोलो, सर बोलो कि आप टॉपिक से नहीं, मैं समझा नहीं क्या बोल रहा, ठीक है समझ में आ गई कहानी, ओके अच्छा एक छोटी सी चीज और देख लो, अगर आपके जो ये बाइनरी है या डेसिमल है, अगर ये डेसिमल आपका पॉइंट्स में दिया हो, तो नंबर है एग्जांपल के तौर पर मैं कहूँ 10.25, इस तरह का नंबर दिया है, इसको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है अगर वो बाइनरी में, तो कैसे आप कन्वर्ट करेंगे इसको और देख लो, 10 को कन्वर्ट आप कर सकते हो बिल्कुल सर, कितना 1010 लिखोगे, उसके बाद की जो कहानी है सर इसको कैसे कन्वर्ट करें 0.25 को, तो बालक 0.25 कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया है, 10 को जो डेसिमल से लेफ्ट की तरफ थे नंबर्स उनको आपने डिवाइड किया है, तो राइट की तरफ वालों क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है राइट की तरफ वालों को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 0.25 को मल्टीप्लाई करना है 2 से सर, तो कितना आ जाएगा आंसर आएगा 0.50। क्या इसके अंदर कोई भी इंटीग्रल पार्ट है नंबर का, मतलब सर जैसे कोई इंटीग्रल पार्ट है इसके अंदर 1 हो, 1 वगैरह, ये 1 से छोटा ही है ना, तो इसके पास पूरा का पूरा कोई नंबर 1 अवेलेबल नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे 0, फिर से 0.5 की मल्टीप्लाई कीजिए आपको 0.50 की 2 से, तो कितना आ जाएगा आप आओगे सर 1.00, हो गया आपका 1, समझ में आ गई बालक,
तो आपको कैसे लिखेंगे अब इसको, जो आपका 0.25 है हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं किस फॉर्म में, तो आप कहोगे सर जीरो, जो आपका है 0.1 की फॉर्म में, मतलब सर आंसर आपका बालक ये हो जाएगा। 10 को आपने लिखा, ये रहा 10, 1010.01, क्योंकि 0.25 को डेसिमल में आप लिख रहे हो 0.1 की फॉर्म। समझ में आया क्या किया मैंने, इसको आपको मल्टीप्लाई करना, गेटिंग अ पॉइंट, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है, ओके क्लियर। एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, सपोज करो मैं कहता हूं आपसे 0.125 को आप कन्वर्ट कीजिए, 0.125 को आप कन्वर्ट कीजिए डेसिमल इसमें बाइनरी में, तो कैसा करेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद के जो नंबर हैं उनको आपको मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट से पहले के जो नंबर थे उनको डिवाइड करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करना, 2 से 0.125 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना जाएगा आपका आंसर, आप कहोगे सर 0.250। तो यहां पर आपके पास कोई कंप्लीट नंबर है, जीरो मतलब आपका जैसे वन हो गया, वन कंप्लीट नंबर, वन पॉइंट समथिंग है, अगर वन पॉइंट समथिंग आता तो उस वन को हटा देते, उस बच्चे कुछ हिस्से को मल्टीप्लाई करते चले जाते, तो कुछ पूरा नंबर कंप्लीट नंबर मिला आपको, आंसर है नहीं सर कुछ नहीं मिलता, तो फिर से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 0.250 की मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो आपके पास कितना मिलेगा, आप कहोगे सर 0.500। अभी आपके पास कोई कंप्लीट नंबर है, आपके पास कोई इंटीग्रल नंबर है पार्ट इसका, आंसर जैसे यार इंटीग्रल इंटीग्रल आपको ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन पढ़ते थे बिल्कुल ऐसे ही, क्या इसके पास इंटीग्रल फंक्शन इंटीग्रल वैल्यू है कोई, आंसर नहीं सर, फिर से जीरो। अगर मैं इसके मल्टीप्लाई करूं 0.500 × 2 कितना जाएगा 1, अब ये आ गया आपके पास इंटीग्रल, इसको यहां पे 1 को एज इट इज, इसका आंसर कितना जाएगा, आंसर है सर 0.001। दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ बाइनरी, समझ में आ गया कहानी, ठीक है, बस इससे ज्यादा क्या आपको जानने की जरूरत नहीं है, एक छोटी चीज और समझ लीजिए, छोटी चीज क्या समझनी है, इसमें कुछ लिखना हो तो आप लिख लीजिए, इसमें नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, लिख लीजिए इसमें कुछ लिखने की इच्छा है तो 1, 2, 3 एंड कुछ, एक छोटा सा कन्वर्जन ये भी देख लीजिए कि अगर मुझे बाइनरी में दिया हो, अगर मुझे नंबर बाइनरी में दिया हो आपको समझना इसका मतलब डेसिमल में क्या होगा, ये 10 है 20 है 50 है 19 है क्या लिखा हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओके सर, अगर आपको बाइनरी में दिया हो मतलब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसा होना है वो भी आपको पता होना चाहिए। सर ये 10.25 वाला दोबारा बता, कौन सा सर, 10.25 वाला नीचे, 10.25 वाला, देखो बालक क्या करना है, जो आपका पॉइंट के बाद का जो नंबर है, पॉइंट के बाद का जो नंबर है, जो भी आपका ये है, ये भाई देखिए आपका, जैसे मैंने कहा कि मैं कोई भी नंबर दिया, ये 10.25 भी दिया था, इसको दोबारा दिख देता हूँ, छुप जा, रबड़ खराब हो गई सर आपकी है ना, अच्छा अगर मैं कहता हूँ 10.25 मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ इसको, मुझे करना है इसको ये डेसिमल में, अभी कन्वर्ट करना चाहता हूँ बाइनरी, तो मुझे पता है 10 को कन्वर्ट करना मुझे आता है, क्या करना है सर 2 से डिवाइड करके चल जाना, आपको डेसिमल मिल जाएगा, जो मैंने कर चुका हूँ 1010 आता है। इसके बाद को जो नंबर है 0.25 इसको कैसे कन्वर्ट करना है सर, तो प्यारा बच्चा पॉइंट आपने लगा लिया है ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने लगा लिया, 0.25 को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर हमने क्या किया था, जो पॉइंट से पहले के नंबर थे उनको क्या किया, डिवाइड किया, तो पॉइंट के बाद के नंबर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेसिमल का जो आपका क्या है हिस्सा 0.25 है, डेसिमल पार्ट है आपका भाई, ये तो इंटीग्रल पार्ट है नंबर का, और ये वाला दूसरा हिस्सा ये क्या है डेसिमल पार्ट है, तो डेसिमल पार्ट को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो 0.25 को मल्टीप्लाई करके आया 2 से कितना है 0.50, ठीक है, अच्छा बिल्कुल ठीक है सर, क्या 0.50 में कोई इंटीग्रल हिस्सा है, अगर मैं कहूं क्या 0.50 में कोई इंटीग्रल पार्ट है या केवल डेसिमल पार्ट है, तो आप कहोगे सर केवल ये तो डेसिमल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट उसमें है नहीं, क्या मतलब है सर इस बात का, अगर मैं कहता मेरा आंसर सपोज कर 1.3 आ रहा है,
इसमें पूछू मैं कि इसके अंदर इंटीग्रल पार्ट कितना है और डेसिमल पार्ट कितना है, तो आप क्या होगे कि 1 तो है इसका इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट है 0.3, यही बोलोगे? बिल्कुल सर। तो मैंने वही किया, 0.25 ही मल्टीप्लाई की है 2 से, तो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई की मुझे आंसर मिला 0.50। तो मैं इसमें पूछू कैसे मैं इंटीग्रल पार्ट आपको इधर लिखते रहे चले जाना, इंटीग्रल पार्ट है नहीं सर, मतलब जीरो, इंटीग्रल पार्ट इसके अंदर है नहीं। 0.50 की फिर से मल्टीप्लाई की 2 से, तो अब क्या आ गया मेरा आंसर मिला मुझे 1। क्या इसके अंदर इंटीग्रल पार्ट है? आंसर है यस। ठीक है, तो बस इसको एज इट यहां पर लिख दीजिए। अब कितना गया? 0, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है सर? यस सर। ठीक है, अगर सर 1 की जगह 2 point something होता तो कैसे करते? बेटा ऐसा कभी नहीं होगा। एक बच्ची का डाउट है कि सर अगर 1 की जगह पर, अगर आपका 1 की जगह पर, जैसे ये आपका ये जो इंटीग्रल पार्ट है 1 की जगह 2.5 कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जो आपके डेसिमल नंबर होते हैं जब उनको डबल करोगे, चाहे वो 0.9 कितना हो सकता है मैक्सिमम, आपको 0.9 हो सकता है डेसिमल से जिससे बड़ा, और क्या ही होगा, 0.9999 हो सकता है। इसकी मल्टीप्लाई जब 2 से करोगे बेटा तो 1 point something है ना, 2 point something कभी नहीं है। पॉइंट ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। चलिए और एक छोटी चीज और समझ लीजिए। हाँ सर, हमें कन्वर्जन है ये किसका, डेसिमल से बाइनरी हमें आ गया, हमें बाइनरी से डेसिमल भी पता होना चाहिए। बाइनरी से डेसिमल क्या होगा वो भी हमें पता होना चाहिए। हेडिंग लगाइए बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो कैसे समझ सकते हैं, हमने जब बाइनरी कन्वर्ट किया था डेसिमल से, तो हमने देखा 2 से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं नंबर लिख देता हूँ 1001, सपोज करो ये नंबर दे दिया मैंने आपसे, कहा कि कन्वर्ट कीजिए इसको डेसिमल में। तो कैसे कन्वर्ट करना है बालक, ये जो नंबर्स आपके लिखे हुए हैं, हाँ सर, ये सबसे पहला नंबर है इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 की पावर 0 से, दूसरा नंबर जो है इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 की पावर 1 से, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 की पावर 2 से, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 की पावर 3 से, आपका आंसर आ जाए। मतलब सर अगर आपका बाइनरी इस तरह से लिखा हुआ है बालक, ठीक वहां चले गए हम, एक सेकेंड सर, अपने कंप्यूटर को पेज क्यों देते हैं आप, वही सोच रहा हूँ। जो भी आपका नंबर लिखा हुआ है बाइनरी में वही क्या है आपका 1001, ये नंबर है, बिल्कुल सर। तो जो लेफ्ट की तरफ है इस वाले को मल्टीप्लाई कीजिए 2 की पावर 0 से, अगले वाले को नंबर मल्टीप्लाई कीजिए 2 की पावर 1 से, एक एक पावर बढ़ाते चलिए, अगले वाले को 2 की पावर 2 से, अगले वाले को 2 की पावर 3 से, आपका आंसर आ जाएगा। इन सबको ऐड कर दीजिए, सम करते चले जाइए इनको, यू विल गेट योर आंसर। देख लेते हैं एक बार, 2 की पावर 3 कितना होता है आपका, होगा सर 8 की मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, तो कितना जाएगा 8 into 1 80 होता है सर। नेक्स्ट 2 की पावर 2 कितना होता है 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 4 into 0 आपका 0 ही हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 1 मतलब 2 ही होता है, इसकी मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 2 into 0, प्लस नेक्स्ट 2 की पावर 0 कितना होता है 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से करेंगे, तो 8 प्लस ए वाला टर्म 0, अगला टर्म भी 0, प्लस 1 8 और 1 9, तो 9 का रिप्रेजेंटेशन है वाला, इस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 9, ये नंबर कौन सा लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है इन डेसिमल फॉर्म, समझ में आ गई बात, ये आपका 9 लिखा हुआ है वाला, दिस इज 9। और एक दो जो आपने कन्वर्ट किए तो उनको देख लेते हैं, जैसे आपने कन्वर्ट किया था, एक क्वेश्चन ये हो गया, सभी क्वेश्चन ये कर लेते हैं। अगर मैं कहता हूं आपका नंबर को इस तरह से लिखा हुआ है, लेट इट बी 1011, जो कि आपने देखा था 15 इसका आंसर आया था, है ना, मेरे ख्याल से 15 या 14 जो अभी आया था, पर देख लेते हैं, 15 आंसर आया था, 15 है ना। ओके सर, देखिए बालक, इसकी मल्टीप्लाई सबसे इधर की तरफ वाला, इसकी मल्टीप्लाई किस करेंगे 2 की पावर 0 से, अगले वाले की 2 की पावर 1 से, इससे अगले की 2 की पावर 2 से, इससे अगले वाले की 2 की पावर 3 से, तो मल्टीप्लाई सीधा कर देते हैं आप लोगों को कैलकुलेशन, तो ये सब पार्ट आपके लिए आसान होगा। 2 की पावर 3 8 की मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, तो कितना जाएगा 8 into 1, प्लस 2 की पावर 2 4 की मल्टीप्लाई करनी है 0 से,
फोर इंटू जीरो प्लस टू की पावर वन, मतलब टू ही रहेगा, टू की मल्टीप्लाई करनी है उनसे, प्लस टू की पावर जीरो कितना होता है वन इंटू वन, तो कितना जाएगा आठ प्लस जीरो प्लस दो प्लस एक, आठ दस, अच्छा ग्यारह के लिए था, ग्यारह के लिए था वन जीरो, हाँ ठीक है इलेवन के लिए था, नॉट फिफ्टीन, ये आपका इलेवन के लिए था, है ना, वन जीरो जीरो वन, ठीक ठीक है बराबर, वन वन जीरो वन था शायद फिफ्टीन के लिए, जो भी था देख लेते, ट्रिपल फोर जो भी आपका आंसर आते वह देख लीजिए, ठीक है ये समझ में आ गई बात, हेलो गेटिंग अ पॉइंट, इज दिस क्लियर? यस सर। ओके चलिए, बस इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इससे ज्यादा पूछे भी नहीं गए हैं कोई खास आपसे, वापस आते हैं अपने मेन जो चीजें हैं उनके ऊपर, ठीक है बालक? ओके मास्टर जी, अब बात करते हैं बालक, ये सम और इन सब से क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, मैं सीधा आ रहा हूँ लॉजिक गेट्स के ऊपर, ठीक है लॉजिक गेट के ऊपर सीधा जंप कर रहे हैं। ओके सर जी, Yes, I'm facing some problem in my laptop. लैपटॉप शायद ठीक से काम नहीं कर रहे हैं आजकल, चलो ओके इंस्ट्रूमेंट्स बात करते हैं लॉजिक गेट की, ओके सर, एक टर्म आपने सुना होगा ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल क्या है भैया? एक टेबल है जिसमें आपको आपके इनपुट को रिप्रेजेंट करना है और अपनी आउटपुट को बताना है, इनपुट ये है तो आपके आउटपुट क्या होगी, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने जैसा एग्जाम्पल लिया था पहला मैं यही ले लेता हूँ, आपने दो स्विच लगा दिए हैं, एक स्विच ये और दूसरा स्विच ये, और यहाँ पर कनेक्ट कर दिया आपका बल्ब, ठीक, और यहाँ पर आपकी बैटरी कनेक्ट कर दी है, स्विच S1, स्विच S2, इसको आप इनपुट भी बोल सकते हैं, इनपुट A, इनपुट B, ऐसा भी बोल सकते हैं, तो इसके लिए ट्रुथ टेबल कैसी होगी, ट्रुथ टेबल कुछ ऐसी होगी, हाँ जी, इनपुट पर आप क्या दे रहे हो सर, A और B, ठीक है, या कहिए स्विच S1 और आपका S2, आउटपुट पे आपको क्या मिल रहा है, बल्ब, ठीक है, या आउटपुट पर आपको बल्ब मिल रहा है, आउटपुट पर आपको बल्ब है, अगर बल्ब आपका ग्लो कर रहा है मतलब इसका मतलब क्या है वन, ग्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब है जीरो, तो अगर आपने दोनों स्विच ओपन रखे हैं जीरो जीरो इनपुट दिया तो आपको क्या मिल रहा है, बल्ब आपका ऑफ है मतलब जीरो, जीरो वन एक स्विच ऑन करोगे तो भी आपको जीरो मिलेगा, दोनों को एक किसी एक को स्विच ऑन कर दो किसी भी एक को तो भी आपको जीरो मिलना है, दोनों को वन वन कर दोगे तब आपको जाकर आउटपुट हाई मिलेगी मतलब वन मिलेगा, इस गेट को बोलते हैं बालक एंड गेट, फर्स्ट हो गया आपका एंड गेट, ठीक है, ये कहानी किसकी है एंड गेट की, ओके सर जी, दूसरा आपका नॉट गेट, नोट गेट कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है नोट गेट जो मैंने आपको पहले भी बना के दिखा दिया था, यहाँ पर की है और यहाँ पर आपका कनेक्शन इस कुछ इस तरह से है, ठीक बन जाए यार, हाँ चल रहा है कंप्यूटर आज, ठीक है ओके, तो बालक आपका ऐसे इनपुट है, यहाँ पर आप शॉर्ट सर्किटिंग कर सकते हैं, अगर यहाँ पर की इस तरह से डिजाइन है, अगर की इधर की तरफ होती है और यहाँ पर आपका बल्ब, ठीक है ओके सर, अगर आप इस स्विच पर कनेक्ट करना, इस स्विच को यहां पर कनेक्ट करना, ठीक है इधर वाले इस इधर की तरफ इस वाले इससे कनेक्ट करना, अगर मैं मान लेता हूं मतलब एक ही स्विच मान के चल रहे हैं, स्विच S1 को अगर आप क्लोज करेंगे यानी बंद करेंगे तो आपका आउटपुट पर क्या मिलेगा, बल्ब आपका ग्लो नहीं होगा, स्विच S1 इधर की तरफ है, इसको अगर आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे, इसके ऊपर आप क्लोज कर देंगे इधर तो क्या मिलेगा, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा, उस सर्किट में जा नहीं रहा आपका करंट, तो क्या होगा बालक आपका, आप कहोगे सर ये
ठीक है, समझ में आ रही है बात, ये क्या कह रहे हैं हम? हाँ सर समझ रहे हैं। आप इसको ऐसा कंप्लीट भी बना सकते हैं और यहाँ पर एक की लगा सकते हैं, वाई की है ये रही की। जैसे आप इसको क्लोज करोगे सर्किट में बल्ब से कोई करंट नहीं जाएगा, आपके आउटपुट पर क्या मिलेगा, आउटपुट को आप वाई मान सकते हैं, आउटपुट को आप वाई मान सकते हैं। जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो आपको आउटपुट वाई मिलेगा, ठीक है। जैसे ही इसको ओपन कर दोगे तो आउटपुट आपका बल्ब आपका ग्लो हो जाएगा। जैसे आप इनपुट दे रहे हो उसको आप उसके अपोजिट मिल रही है, अगर आपने वन दी तो आपको जीरो मिला, जीरो दी तो आपको वन मिला, ठीक है। नॉट, इसको बोल देते हैं नॉट गेट, इसका जो सिंबल है कुछ ऐसा, ये आपका नॉट गेट है। एंड गेट का सिंबल कैसा है सर? एंड गेट का सिंबल कुछ ऐसा, ठीक है बालक। दिस इज योर नॉट गेट, दिस इज आपका एंड गेट, ठीक है। चेंजमेंट्स जो टेबल बना रहे हैं यही आपके ट्रुथ टेबल है, दिस इज ट्रुथ टेबल, ये जो मैंने आपको बनाई है यही आपके ट्रुथ टेबल है। ओके सर जी, ऐसा? हाँ जी ऐसा। और आपका और कौन सा गेट होता है सर? एक होता है बालक आपका और गेट, थर्ड लिखिए और गेट। सर ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई है ना, मोस्टली पढ़ी हुई होंगी आपने, ठीक है। और गेट में कैसा समझ सकते हैं, देखिए ऐसा हम समझ सकते हैं, एक स्विच है आपका, ये कुछ ऐसा कुछ, और ये कनेक्टेड है आपका बल्ब से, यहां से आपकी बैटरी कनेक्टेड है, ठीक। ओके सर, तो बालक जैसे ही आप स्विच इसको S1 इनपुट A मान लेते हैं, इसको S2 ये इनपुट B मान लेते हैं, तो इसकी कैसे कहानी होगी, आपके इनपुट A और B यहाँ पर आपके आउटपुट या Y आप कह सकते हैं, इसको ये मिल रही होगी। जैसे ही आपने स्विच S1 ऑन किया मतलब, या फिर दोनों को ऑफ रखी, पहले दोनों को ऑफ, तो सर्किट कंप्लीट नहीं, आपको आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो। अगर आपने कोई एक स्विच क्लोज कर दिया है, कोई भी एक स्विच क्लोज कर दिया, तो या तो ये वाला चाहे नीचे वाला, सपोज करो ए स्विच ऑन कर दिया है, दूसरे को आपने जीरो पर छोड़ा, तो आउटपुट क्या होगा सर, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा, बल्ब ग्लो होने का मतलब क्या, वन मिलेगा आउटपुट। इसी तरह से अगर आपने किसी एक को ऑफ रखा, अब इस बार ए को ऑफ रखा, बी को ऑन कर दिया है, तो भी आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, आपका करंट इधर से फ्लो होता हुआ यहां से फ्लो हो जाएगा, आपका आउटपुट पर बल्ब आपका ग्लो होता होता है। उसके बाद आपको दोनों अगर स्विच ऑन कर दे तो हाँ, तो भी आपका सर्किट कंप्लीट ही है, दोनों सर्किट अगर कंप्लीट कर दे तो भी आपका क्या मिलेगा, स्विच ऑन होगा, आउटपुट आपको हाई मिलेगा। तो ये गेट कौन सा है, दिस इज और गेट, ठीक है, दिस इज और गेट। इसका सिंबल कैसा होगा, सिंबल सर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बालक किसका सिंबल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी दो इनपुट जा रही है और आपका आउटपुट मिल रहा है, ए और बी, यहाँ पर आपका आउटपुट मिल रहा है। नॉट गेट में यहाँ पर आपके इनपुट थी, एक ही इनपुट है, एक ही आउटपुट है, यहाँ पर आपको वाई मिल रहा है। एंड गेट में आपकी ए इनपुट यहाँ पर, बी यहाँ पर, आपको यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है। समझ में आगे बात। इसके लिए अगर मैं कहूं बुलियन के एक्सप्रेशन क्या है, एक टर्म आपको सुनने को मिलेगा, बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन अलजेब्रा, ठीक है प्यारा चिंटू मिंटू? यस सर। तो बालक आपके और गेट के लिए क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, या तो ये वाला हो या ये वाला हो, तो इसके लिए बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू होगी a प्लस बी, इसके लिए और गेट के लिए, ठीक है। ओके सर जी, अगर मैं बात करूं एंड गेट के लिए, एंड में क्या हो रहा है, या तो ये हो या ये हो, या कुल मिलाकर अगर आप देखो एंड गेट के लिए अगर आप एक्सप्रेशन देखोगे, तो आपको दिखेगा बालक कि सर जी हमारा कुछ ऐसी कहानी हो रही है। अरे यार ये तो बहुत तो चला गया। एंड गेट के लिए एक्सप्रेशन क्या है, आपको जो आंसर मिल रहे हैं कुछ ऐसे हो रहे हैं, ध्यान से देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है। अगर जीरो की वन से मल्टीप्लाई होती है तो जीरो मिलता है, जीरो की जीरो से मल्टीप्लाई होते तो भी जीरो मिलता है, वन की जीरो से होती है तो भी जीरो मिलता है, वन की वन से होती है तो आपको वन मिलता है। तो मैं अगर कहूं इसके लिए बुलियन एक्सप्रेशन कैसा होगा, तो वाई इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन टाइप होगा, ए डॉट बी, ठीक है। ओके सर जी, नॉट गेट के लिए अगर मैं बात करूं, अगर मैं करूं नॉट गेट के लिए, तो आप क्या देखोगे कि जो मैं दे रहा हूं उसका रिवर्स होकर मुझे मिल रहा है। जो भी मैं इनपुट दे रहा हूं, अगर मैं जीरो देता हूं तो मुझे वन मिलता है, वन देता हूं तो जीरो मिलता है, मतलब रिवर्स हो रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। तो मैं जो इसकी आउटपुट होगी वो क्या बोल सकता हूँ, जो भी आप दे रहे हो उसको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, बाहर से मैंने नोट कर दिया है उसके अपोजिट मिलेगी। क्लियर है मेरे ख्याल से, ये क्लियर है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीजें और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी।
ठीक एंड नॉट ओके सर, नॉट ऑपरेशन आपको समझ में आ ही गया है, बिल्कुल सर। और दो गेट और आप समझ लीजिए, सर दो गेट कौन से हैं सर, दो गेट आपके लैपटॉप में कुछ गड़बड़ है सर, हमने लिखा नहीं था, कहाँ कहाँ भाग रहा है इंसान, ए चिची कहाँ जा रहा है तू, वापस आ, नॉट गेट और गेट इनको लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, 1 2 3 पूछो, ओके सर दो गेट और समझिए प्यारा वाला, तो दो गेट हमारे अभी बचता है नैंड गेट, NAND, नैंड गेट, नैंड गेट का क्या कंसेप्ट है सर, देखिए ये नाम से ही आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा, इसमें कहीं ना कहीं एंड है, ये रहा एंड, ये आपका मिलकर बना हुआ है नॉट प्लस एंड से, इसको उल्टा करके लिखूं मैं, एंड प्लस नॉट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जहां पर नॉट का एंड ले लिया गया और एंड का एंड ले लिया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो सर एंड गेट तो मुझे पता है कैसा बनाते थे, ऐसा कटोरा टाइप से बनाते थे सर, ऐसे ये बन गया आपका एंड गेट, यस सर, इसकी जो आउटपुट है उसको कनेक्ट कर दीजिए, इसको आउटपुट से कनेक्ट कर दीजिए आपका नोट गेट से, ठीक है, बिल्कुल सर। तो प्यारा बच्चा अगर मैं एंड गेट, एंड में क्या होता है सर, एंड यार आपने बहुत अच्छे से वो वेन डायग्राम वाला चैप्टर जो होता था वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा 12th क्लास में 11th क्लास में, जो भी चैप्टर का नाम होता था मैथ्स में, वेन डायग्राम वगैरह पढ़ते थे उसमें आप लोग, ठीक है, तो वहां पर आपको याद होगा एंड का मतलब होता होगा कि मुझे जो है इतने बच्चे कॉफी पीते हैं इतने बच्चे चाय पीते हैं, तो इतने एंड इतने, समझ में आ गया ना, हाँ सर, मल्टीप्लाई होती थी एक काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा आपको, आपका होगा सर ए डॉट बी मल्टीप्लाई मिलेगा मुझे, अब इसको मैं पास करा दूं नॉट गेट से तो क्या मिलेगा आपको, जो होगा इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब ए डॉट बी का बार, दिस विल बी माय आउटपुट। एक बार मैं इसकी ट्रुथ टेबल आप भी ट्राई कीजिए, आप भी अपने लेवल पर अपनी तरफ से ट्राई कीजिए, मैं भी इधर ड्रॉ करता हूँ, इनपुट मेरी ए है और इधर मेरी बी है और आउटपुट मेरी वाई है, सपोज करो इनपुट पर अगर मैं 0 0 देता हूँ तो पहले मैं इसको इस पहली स्टेज को वाई वन मान लेता हूँ और बाद में आउटपुट पर इसको वाई लिख दूंगा, इसको हम वाई वन लिख दूँ, इसको हम वाई लिख दूँ, चीजें समझने में आसान हो जाएगी। तो अगर मैं इनपुट पर दोनों में 0 0 देता हूँ तो वाई वन कितनी मिलेगी सर, ए डॉट बी, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है मतलब 0 × 0 0 मिलेगी सर, इसका कॉम्प्लीमेंट नॉट गेट क्या कर रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सर, वन, क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर है। अब देखिए दूसरा देखते हैं, 0 1 लेता हूं मैं, एक इनपुट हाई एक लो, तो प्यारा बच्चा यहां पर भी मल्टीप्लाई ही करनी है, जो वाई वन है जो एंड गेट की आउटपुट है वो क्या दे रही होगी, दोनों की मल्टीप्लाई से 0 ही देगा, लेकिन जो फाइनल आउटपुट मिलेगी नॉट गेट के बाद, यहां से पास होने के बाद नॉट गेट से, तो आपको क्या मिलेगा सर, फिर से 1 मिल जाएगा, ठीक है, ओके सर। अगर मैं ले लूं इनपुट 1 0 तो आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करके फिर से 0 सर, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आपका होगा सर, इसका कॉम्प्लीमेंट फिर से होगा, लेकिन अगर मैं दोनों हाई इनपुट दे दूं 1 1 तो आपको 1 1 की मल्टीप्लाई होगी सर, 1 ही मिलता है, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट ही होगा, तो आपको क्या मिलेगा 0, दिस इज नैंड गेट, दिस इज नैंड गेट, ये और गेट जैसा नहीं है, कंफ्यूज नहीं होगा, कभी सोचो अच्छा सर और गेट नहीं, और गेट नहीं है, ठीक है, 1 1 0 भले ही आ रहे हैं इसमें, लेकिन दिस इज नॉट और गेट, क्या है ये, नैंड गेट है, ठीक है जी, ठीक है चिंस मिंस पिंस, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई थी। अच्छा एक और गेट, ये आपका पांचवा चौथा गेट है, फोर्थ फिफ्थ गेट आपका नोर गेट, फिफ्थ गेट है वाला का आपका नोर गेट, NOR, नाम से सर कुछ कुछ लग रहा है, हाँ सर ऐसा लग रहा है, और नोट को मिला दिया, बिल्कुल सही है बेटा, और की आउटपुट को मिक्स कर दिया है, और को मिक्स कर दिया है प्लस नोट के साथ, और नोट को मिक्स कर दिया, तो और गेट कैसा होता है सर, थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ कर्व टाइप होता है, प्लीज बच्चा आप इनको ड्रॉ कर करके देखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम में, कंफ्यूज जाओगे यार कौन सा गेट कौन सा था, एक ही बार ड्रॉ कर लो आपको ध्यान में रह जाएगी, और गेट के आउटपुट को कनेक्ट कर दिया है नोट गेट से, यहां पर इनपुट ए और बी, ठीक है, ओके सर। तो अब देखिए बालक इसको मैं फिर से यहां पर जो आउटपुट है पहली आउटपुट इसको मैं वाई वन मान लेता हूं,
पर ये आपके फाइनल आउटपुट है। बाय द वे ट्रुथ टेबल में आपको फाइनल ही बनाना है, ये वाई वन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको ये वाई वन ड्रॉ किया, इसको जरूरत भी नहीं है आपको ड्रॉ करने की, मैंने तो बस इसलिए ड्रॉ किया जिससे आपको कंसेप्ट थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल बनाएगा हम, तो कैसी बनेगी ट्रुथ टेबल? आप कहोगे सर नोर गेट का काम क्या होता है, एंड और मतलब और कैसा फंक्शन है, सिंपली एड करना होता है ए और बी और यहाँ पर वाई वन और यहाँ पर आपको वाई ले जाते हैं। ए और बी पर दोनों पर जीरो जीरो दूं तो आपको जीरो की मल्टीप्लाई जीरो को ऐड करोगे जीरो में तो जीरो में। इसका आपको बार कर देना है, पलट देना है वैल्यू, तो आंसर आपका आंसर कितना मिलेगा? ठीक है, ओके सर, जीरो एंड वन, वन और जीरो को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा सर? वन। ठीक है, बिल्कुल सर, वन का बार कर दो मतलब कॉम्प्लीमेंट कर दो, कितना वन जीरो दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? वन मिलेगा। इसका फिर से बार कर दो जीरो, दोनों वन वन हो आपको आउटपुट मिलती है हाई। कैसे सर? अरे दोनों स्विच अगर ऑन है तब भी आपको आउटपुट हाई मिलती है, तो 1 प्लस 1 भी बुलियन में 1 ही होता है, याद रहे 1 प्लस 1 भी आपको एक्सप्रेशन मिलती है कहीं ऐसी, बुलियन में 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 ही होगा। अब आप कर रहे हो सर? हाँ जी, ठीक है, तो 1 प्लस 1 भी आपको 1 मिलेगा, आपको आउटपुट पर क्या मिलेगा? 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो आपकी ट्रुथ टेबल हो गई। आपको ये ध्यान में बस ये बात, ये ए बी और लास्ट फाइनल होती है, ये आपको ध्यान में नहीं रखनी है, तो मैंने आपको बस समझाने के लिए आपको बताई है। तो दिस इज योर नैंड नोर गेट, क्लियर है? पांचों गेट समझ में आ गए हैं मेरे ख्याल से, बात समझ में आ गई है। ठीक है चिंस मिंस स्पिंस, आंसर है यस, मेरे ख्याल से दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। किसी को इसमें कुछ क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, सर आप पेज को कहाँ लेके भाग जाते हो? अरे यार अपने आप ही भाग रहा है, तोड़ दराज तोड़ डालो सर, इसको मोबाइल को नहीं सर कंप्यूटर को देखो, इसको नोट डाउन कर लो, कहीं कोई डाउट हो तो फिल फ्री टू आस्क। हाँ किसी बच्चे का डाउट है क्या कह रहा हूँ? हाँ एग्जोर बताएंगे बताएंगे, बेफिक्र रहिए भी आते हैं एग्जोर पर भी। ठीक है इट्स ओके, यस सर, ओके सर, स्कूल सर, ठीक है ओके। अभी और दो गेट के बारे में और समझिए सर, आपने कहा था बस पांच है, पांच नहीं है एक्चुअल में, ये भी हमारे इन्हीं से मिलकर बने हुए हैं यार, ये कंप्यूटर से हम दुखी हो चुके हैं आज, हम दिल दे चुके सर, आज कंप्यूटर जाएगा सर। ठीक चलो नीचे जी, चलो आओ, एक गेट दो गेट और सुनिए जरा, यस सर, छह नंबर का गेट, एक है आपका एक्सोर गेट, आपको या तो अगर इस तरह लिखा दिखा जाएगा एक्सोर तो भी वही नाम है, सिंपली एक्सोर लिखा हुआ दिखाई देता है तो भी इसका मतलब वही है एक्सोर गेट। क्या कहता है सर ये? देखिए बालक, ये कुछ इस तरह का बुलियन आपको एक्सप्रेशन देखा, इसको इसका नाम जो है एक्सक्लूसिव ओर बुक भी है, वहीं से मिला इसको नाम एक्सक्लूसिव ओर। मतलब क्या है सर इसका? तो बालक इसका मतलब ये है, इस गेट को पहले तो सिंबल देख लेते हैं, इसका सिंबल कैसा, सिंबल आपका जैसा ओर गेट होता है ना कुछ कुछ है सर उसी के जैसा है, लेकिन एक लाइन और बढ़ाते हैं, यहाँ पर एक लाइन और लगाते हैं ऐसी और यहाँ पर एक बबल बनाते हैं, ये है आपका एक्सोर गेट, ये आपके इनपुट ए और बी, ये आपके आउटपुट वाई। इसका क्या मतलब है सर भाई? तो क्या मतलब है सर? हाँ इसका प्यारा मतलब ये है, आपकी जो इनपुट रहेगी वो आउटपुट जो रहेगी वो एक्सक्लूसिव ओर रहेगी, मतलब सर आपकी आउटपुट कुछ ऐसी रहेगी ए बी बार, मतलब जो आपकी इनपुट ए की है यस सर वो एज इट इज जाएगी, उसकी मल्टीप्लाई होगी बी के कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है, प्लस इस बार ए का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए बी को ऐसे छोड़ दीजिए। इसका जो सिंबल होता है रिप्रेजेंटेशन का तरीका वो कुछ ऐसा भी कर देते हैं, ए प्लस को कर दीजिए सर्कल के अंदर बंद और बी, ठीक है, इसका मतलब है ए एक्सोर बी, ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन इसी के, ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखनी है कि भैया ये होता है, ठीक है यस सर, मतलब अगर कोई सी एक इनपुट हाई है तो दूसरी उस टाइम लो रहेगी, उन्होंने मल्टीप्लाई होगी प्लस तो चीजें बदल जाएंगी। इसकी ट्रुथ टेबल बना के देख ले कैसी होगी, बिल्कुल सर बना लीजिए, कैसी होगी ट्रुथ टेबल? तो ट्रुथ टेबल वाला कुछ ऐसी होगी, मैं इधर आपके ए लिख लेता हूँ,
बी लिख लेता हूँ, जो पहला टर्म है इसकी वैल्यू लिखेंगे तीसरे कॉलम में, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस पहली बार लिख रहा हूं मैं जिससे आपको समझ में आ जाए चीजें, और लास्ट में आपके आउटपुट लिख देंगे, ठीक है? ओके मास्टर जी। तो ए पर और बी पर अगर मैं दोनों पर लो इनपुट देता हूँ तो ए बी बार की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहोगे सर 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 मे बी क्या बोल रहे हो मेरे को, मैं समझा नहीं बालक, किसी बच्चे का मैसेज है सर मे बी नहीं होता है इसमें जोर में, नहीं ठीक है बालक, जोर का सिंबल इज परफेक्टली फाइन, ऑल गुड। अगर जीरो जीरो आपने इनपुट दी है तो ए की वैल्यू कितनी सर जीरो, और जीरो में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करोगे वो जीरो ही आए। अब अगले टर्म पर देखिए, ए की वैल्यू कितनी है जीरो है सर, और बी की वैल्यू कितनी है जीरो, तो जीरो से किसी नंबर की मल्टीप्लाई करोगे जीरो, जीरो प्लस जीरो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा सर जीरो, ठीक है सर। ओके नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं ए की वैल्यू जीरो दूं और बी की वैल्यू वन दूं, ए की वैल्यू जीरो है तो ये वाला टर्म आपका पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा सर जीरो हो जाएगा। इस वाले टर्म को देखिए ध्यान से समझना इसको, ए बार बी, ए का बार मतलब जीरो का बार कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर वन, तो वन की मल्टीप्लाई बी कितना है ऑलरेडी वन है सर, वन की मल्टीप्लाई वन से वन आए, और दोनों को ऐड कर दीजिए आपको आंसर मिलेगा वन। समझ में आ गई बात? और सर बिल्कुल सही है सर। अच्छा आगे देखिए बालक, अगर मैं इसको वन दे दूं इसको जीरो दे दूं, तो वन आपका ए है, ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू जीरो है, लेकिन बी के बार की वैल्यू क्या जाएगी वन, तो फिर से ये वाला टर्म क्या बनेगा आपका, इस बार वन ही बनेगा, ये वाला जीरो, आंसर कितना वन। दोनों अगर वन वन दे दूं तो बालक ये तो वन, आपका बी बार का सर जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, आपका जीरो, ठीक है। तो यहां से आपको एक बात खास देखने को मिलेगी कि जब भी आपकी दोनों इनपुट सेम हो तो आपका आंसर मिलेगा जीरो, दोनों इनपुट अलग अलग हो तो आपका आंसर मिलेगा वन, इस बात को समझ लीजिए, बात में कभी डिफिकल्टी होगी नहीं। दोनों इनपुट अगर अलग हैं तो आपका आंसर मिलेगा, आपका आउटपुट मिलेगी वन। दोनों सेम है, दोनों इनपुट अगर सेम है तो आपके जो आउटपुट है वो मिलेगा जीरो, ये फंडा है, इसको समझ लीजिए, कभी डिफिकल्टी नहीं आएगा, ठीक है प्यारे चिल्ड्रन, लिख लीजिए इसको। एक बच्चा कह रहा है कि सर शायद, हाँ हाँ सर शायद यहाँ पर इसमें जोर गेट में बबल नहीं होता, बेटा कुछ कुछ बुक्स में यहाँ बबल दिया है, कुछ में नहीं दिया, तो बेफिक्र रहिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, नहीं घबराना नहीं है सर, नहीं कोई घबराने वाली बात, तो मैं एक बार फिर भी इसको रेक्टिफाई कर लूंगा, एक बार देख लूंगा कि शायद बच्चा सही कह रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, कुछ कुछ बुक्स में गड़बड़ कर रखी है, मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक, एग्नोर में होता होगा, है ना। कहाँ चले गए सर, अरे सर कहाँ, सर क्या चाहते हो आज, हाँ क्या चाहते हो सर, यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप हो रहा है, ऐसे थोड़ी होता है सर, अपने आप हो रहा है, हाँ अपने आप ही हो रहा है वाला, ये नॉर गेट, एक्सोर गेट, और एक गेट और आपका एक्सनोर, सही बोल रहा था बच्चा, एक्सनोर में आपका जीरो आ जाएगा। सेवंथ गेट क्या है, एक्सनोर, मतलब जो आपका एक्सोर गेट आया है, यस सर, इसको फिर से बार कर देना, सीधी बात यह है, इसके ऊपर नॉट गेट लगा देना है, तो सिंबल कैसा हो जाएगा सर, कुछ ऐसा, यहाँ पर जीरो लगा दिया मतलब आपका नॉट गेट बन चुका है, नॉट गेट और ऐड हो गया, ठीक है। ओके सर जी, ऐसा कुछ, हाँ जी एक्सोर गेट के साथ नॉट गेट लगा दीजिए, एक्सोर प्लस नॉट से मिलकर बन जाएगा ये, ठीक है। इसकी ट्रुथ टेबल देखिए, बिल्कुल सर देखो, ए बी और सीधा मैं आउटपुट लिख रहा हूँ, जो यहाँ पर आपकी ट्रुथ टेबल आई थी इसकी रिवर्स हो जाएगी बस, है ना, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगी वन जीरो जीरो वन। यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर आपकी इनपुट दोनों सेम, चाहे दोनों जीरो हो चाहे दोनों वन हो, तो आपका आउटपुट में वन मिलेगा, हाई मिलेगा,
अदरवाइज आपको क्या मिलेगी, नो मिलेगी। ठीक है, हेलो इज दिस क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है चेंजमेंट फ्रेंड्स, ये हमारी बेसिक कहानी है गेट की। इसके ऊपर अभी हमने न्यूमेरिकल्स लेने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेने हैं, वो सारी काम करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चा, तो आज के लिए क्लास हम यहीं पर हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर। बाय सर।